दोस्तों अभी भी भाई स्नोफॉल कंटिन्यू हो रही है। देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना यार। भाई स्नोफॉल में है ना एकदम से सारी चीज़ों का ना रंग रूप बदल जाता है। एकदम ऐसा लगता है जैसे भाई साहब मैं है ना अभी दरवाजे खोल रहा था। ये देखो स्पीति से भी ज़्यादा फ्रोजन है यहाँ पे बिल्कुल। और भाई ये चिपक गए हैं, गाड़ी अनलॉक है लेकिन ये चिपक गए हैं। तो दोस्तों स्नो में है ना ये दिक्कत होती है भाई। देखो बाइकर भाई है ना वो स्लिप हो गई उसकी बाइक और गिर गया और उसे उठ भी नहीं रही थी। तो भाई हम लोग गए हैं हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों रोड पे भाई हो गई है बहुत सारी बर्फ। तो अभी ये और बढ़ेगी ना तो गाड़ी है ना स्किड मारेगी बिल्कुल। आप लोग देखो पेड़ों पे भी कितनी कितनी स्नो हो गई है। बिल्कुल ही व्हाइट वर्ल्ड हो गया है, बिल्कुल ही व्हाइट वर्ल्ड। और भाई अगर हो गई तो फिर ये है कि भाई अभी गाड़ी है ना स्किड मारेगी यहाँ पे, बस ये दिक्कत है। तो दोस्तों ये मेरी है ना लाइफ की आप लोग पहली क्रेजी ड्राइव कह सकते हो, जो इतनी सारी स्नो में और ऐसे खतरनाक रास्ते पे कर रहा हूँ। मैं मनाली गया हूँ, कई बार स्नोफॉल मेरे को वहाँ पे मिली है और मैंने ड्राइव भी किया है। लेकिन भाई वो रास्ते हैं ना वो बिल्कुल ही अलग रास्ते हैं। वो चौड़े रोड हैं और अच्छे रोड है। और ये देखो ये इधर इतने ऊँचे पहाड़ और नीचे खाई, यहाँ पे कोई भी गलती की गुंजाइश है नहीं। और भाई बर्फ में आप लोगों को पता है कि स्नो में गाड़ी कितनी स्किट मारती है। अभी तो ये है कि भाई अप्रैल में है तो गाड़ी नीचे ये स्नोफॉल नीचे गिरते ही है ना थोड़ी मेल्ट हो जा रही है तो गाड़ी है ना थोड़ी ग्रिप कर पा रही है। लेकिन ये अगर कंटिन्यू चलती रही तो फिर थोड़ी इस रोड पे ना ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम जरूर होगी। दोस्तों रक्षम में रुके हैं अभी, पता करने गए हैं होटल का। अगर मिल गया यहाँ पे कोई ढंग का तो यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि भाई स्नोफॉल यहाँ पे भी है तो वहाँ पे भी मतलब कि हमें स्नोफॉल ही मिलनी है। तो हमें तो रूम में पहुँचना है। टाइम 5:30 हो गया। ऐसा नहीं होना कि भाई ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए और कहीं फंस के खड़े हो जाए अंधेरे में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब वहाँ पर ये भी नहीं पता कि कितने सारे होम स्टे या होटल्स चालू हैं, क्योंकि रक्षम है यहाँ पर तो चालू हैं। आगे चिटकुल में है ना थोड़े कम ही होते हैं विंटर में। बाकी भाई गाड़ी देखो मैंने बोला था ना आपको कि बिल्कुल वाइट हो गई। देखो नंबर प्लेट वगैरह सब दिखनी बंद हो गई। मज़ा आ गया भाई, मज़ा। तो ये दोस्तों रक्षम भी है ना ये काफ़ी सुंदर जगह है। और इस बार है ना मैं मनाली गया था दिसंबर में थार लेके, तो मेरे को स्नोफॉल नहीं मिली। उसके बाद मैं जा नहीं पाया। तो मैं इस बार थोड़ा सा ये सोच रहा था कि यार इस बार स्नोफॉल नहीं मिली, इस बार रह गया स्नोफॉल, क्योंकि हर साल स्नोफॉल मेरे को मिलती ही मिलती है। लेकिन भाई विंटर स्पीति ट्रिप में ना वो मेरी तमन्ना भी पूरी हो गई। ये देखो बिल्कुल ही वाइट वर्ल्ड, वाइट स्पीति। स्पीति तो इतनी वाइट नहीं मिली जितना वाइट चितकुल मिल गया मुझे, वाइट किन्नौर। ये देखो ये है ना ये बर्फ़ अभी हालांकि इतनी मेल्ट नहीं है, लेकिन गिरती रहेगी ना तो स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी और इसका है ना कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि ब्रेक मारोगे ना तो गाड़ी स्किट होती हुई चली जाती है। तो सबसे खतरनाक काम है ना ये हो जाता है इस टाइम पे। दोस्तों अभी भी भाई स्नोफॉल कंटिन्यू हो रही है। देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना यार। भाई स्नोफॉल में है ना एकदम से सारी चीज़ों का ना रंग रूप बदल जाता है। एकदम ऐसा लगता है जैसे मतलब कि इतनी सुंदर सी दुनिया में आ गए। तो अभी भी भाई स्टिल सर्च जारी है, क्योंकि स्नोफॉल वगैरह ऐसा क्लाइमेट एकदम से हो जाता है ना तो इन होटल वालों के भी ना थोड़े से रेट हाई हो जाते हैं। तो एक दो जगह पता किया तो उन्होंने बोला कि सर हाउसफुल है। तो थोड़ी सी भाई मशक्कत करनी ही पड़ती है हमेशा अगर आप लोगों की प्री बुकिंग ना हो तो, क्योंकि यहाँ का हमारा प्लान तो था नहीं। हमारा प्लान था पिन वैली का, और पिन वैली का रास्ता था बंद। तो अच्छा हुआ कि वो रास्ता बंद था, तो हम लोग फिर यहाँ आ गए। और यहाँ आ गए तो हमारी ट्रिप हो गई सक्सेसफुल। इस स्नोफॉल का एंजॉय हम लोग कर पाए अप्रैल के महीने में। तो दोस्तों होम स्टे ले लिया हम लोगों ने। होम स्टे इसमें ना कॉटेज बने हुए हैं, 4 कॉटेज हैं। तो 2 कॉटेज ले लिए हम लोगों ने। 1500 रुपये का 1 कॉटेज है। रस्टिक पैराडाइज मेन रोड पे ही है ये। गाड़ी भी अंदर खड़ी हो गई है, स्नोफॉल चालू है। तो अभी आराम से बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि भाई काजा से आ रहे हैं कंटिन्यू। तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, स्नोफॉल का मज़ा लेंगे। बाकी कॉटेज में आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। क्या ना लाला, आनंद आ गया ना भाई? बिल्कुल आनंद आ गया। हाँ दिखाओ भाई, कॉटेज दिखाओ मेरे दर्शकों को। तो भाई इस टाइप का कॉटेज है। और एक ये लिया है। और यहाँ पे वॉशरूम अटैच है। यहाँ भी लाइट जलाओ ना वॉशरूम की। तो ऐसा है साफ सुथरा वॉशरूम है, लेकिन यहाँ भी पाइप से पानी नहीं आ रहा, बाल्टियों से पानी यूज करना पड़ेगा। सेम है मतलब जैसे स्पीति में था। क्या नाम है इसका? रस्टिक पैराडाइज। रस्टिक पैराडाइज है। ठीक है बढ़िया। तो भाई बोल रहा है बोन फायर वगैरह भी होगी डाइनिंग में रात को, बढ़िया अपना। तो भाई खाना वाना सब कुछ इंक्लूड नहीं है, 1500 रुपये सिर्फ रूम रेंट है, तो खाना वाना अलग है। लेकिन भाई ऐसे टाइम पे ना थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन फिर भी इसने ठीक लगा लिया है ना भाई। और दोस्तों अंधेरा होने से पहले भाई एक बार और नज़ारे देख लो, अंधेरे में तो फिर मैं दिखा नहीं पाऊंगा। ये देखो भाई क्या शानदार लग रहा है ना यार, बिल्कुल वाइट वर्ल्ड। मतलब इस चीज़ की भाई मैं ना इतना खुश हो रहा हूँ ना, आप लोग बोलोगे एक चीज़ को बार बार रिपीट करे जा रहा है, लेकिन इतनी खुशी हो रही है ना भाई बता नहीं सकता। तो दोस्तों वैसे भी नॉर्मली अगर हम लोग आते हैं ना चितकुल आते हैं तो ज़्यादातर लोग ना रक्चम में ही स्टे करते हैं, क्योंकि चितकुल में ना स्टेइंग ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं है। और भाई नेटवर्क की बात करें मोबाइल नेटवर्क की, तो एयरटेल का नेटवर्क है यहाँ पे, मेरा जियो का है तो जियो का बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो जियो का आ जाता है वैसे, लेकिन भाई यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दूँ कि आप लोग आओ तो एयरटेल का नेटवर्क ले आना साथ में, अगर आप लोगों को चितकुल आना है तो। दोस्तों टाइम 9:15 हो गए भाई, और फिलहाल स्नोफॉल रुकी है जब से कंटिन्यू थी। और ये देखो भाई गाड़ी अपनी बिल्कुल वाइट हो गई है बिल्कुल, और ये इनोवा खड़ी है साथ में। अभी डिनर कर लेते हैं एक बार, बाकी भाई टेम्परेचर बहुत कम हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो डिनर करके आप लोगों को डिनर भी बताऊँगा कि कैसा है यहाँ का। तो दोस्तों खाने में हम लोगों ने लिया है कढ़ाई पनीर, दाल, राइस और भाई रोटी और सैलेड है। तो अभी टेस्ट बता दूँगा ताकि आप लोग कभी इस होटल में स्टे करो इस में, तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और भाई गाड़ी की हालत देखो एक बार भाई साहब, मैं है ना अभी दरवाजे खोल रहा था, ये देखो स्पीति से भी ज़्यादा फ्रोजन है यहाँ पे बिल्कुल। और भाई ये चिपक गए हैं, गाड़ी अनलॉक है लेकिन ये चिपक गए हैं, क्या करें? थोड़ा गर्म पानी डाले, क्या गर्म पानी डालना पड़ेगा मुझे लगता है, थोड़ा सा धूप का वेट कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों ये ग्लास पे बिल्कुल, तो भाई आप लोग इसी से आइडिया लगा सकते हो कि क्या हालात है यहाँ पे ठंड के। ये भीड़ के ना सॉलिड हो चुकी है इसमें। हाँ तो इसमें गर्म पानी डालेंगे ना, इसी से टूट सकता है। हाँ। हो जाए ऐसे है ना, अपने आप हो जाएगा, थोड़ी देर में धूप निकलने दे तभी खोलेंगे। तो भाई दरवाजे बिल्कुल चिपक चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखो ये बिल्कुल बिल्कुल ही फ्रोजन वर्ल्ड है यार, तो भाई इसका तो इंतजार करना पड़ेगा इसी से बिल्कुल। तो भाई रात को इतनी भयंकर ठंड थी और रात तक स्नोफॉल चली है। आप लोग माहौल देखो एक बार कैसा हो रखा है, पूरा वाइट हुआ पड़ा है। और भाई गाड़ी के हालात, गाड़ी पूरे जमी पड़ी है, पूरे के पूरा फ्रोजन हो रखा है गाड़ी। सुबह मैंने उठ के देखा था तो ये दरवाजे भी नहीं खुल रहे थे, सुबह तो ये दरवाजे भी खुल नहीं रहे थे, अभी भी नहीं खुल रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करके देखेंगे। तो भाई जो विंटर स्पीति ट्रिप का एक्सपीरियंस था ना, जो हम लेने के लिए काजा गए थे, वो हमें यहाँ पर चितकुल में आ गया। अभी हम लोग चितकुल से 10 किलोमीटर पहले रक्चम में रुके हुए हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट करके फिर चितकुल जाएंगे और चितकुल में थोड़ा एक्सप्लोर करके फिर निकलेंगे दिल्ली की तरफ। दोस्तों धूप निकल आई है भाई, धूप निकलने के बाद है ना इतना रिलैक्स मिल रहा है ना। इतनी ठंड थी, सुबह -8:30 बजे देखा था तो -10 डिग्री टेम्परेचर था, रात को तो पता नहीं कितना ही गया होगा। तो गाड़ी के हालात भी आप लोग देख के समझ सकते हो, लेकिन नज़ारे आप लोगों को एक बार नज़ारे दिखाना चाहता हूँ मैं। तो अभी ब्रेकफास्ट लग रहा है हमारा, उससे पहले एक बार ये नज़ारे देखो, आप लोग मोहित हो जाओगे मोहित। देखा दोस्तों क्या गजब का नज़ारा है भाई, क्या गजब का माहौल है। ये देखो पेड़ों को देखो कैसे बिल्कुल वाइट हुए पड़े हैं। अप्रैल के महीने में आप लोगों को ये नज़ारे देखने को मिल जाए, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता यार, कमाल। दोस्तों ब्रेकफास्ट में आलू की सब्जी, पूड़ी और बटर टोस्ट आ रहे हैं और चाय भाई, तो अभी लेते हैं। और आप लोगों को रात को भी मैंने बताया था खाना बढ़िया है इस होटल इसका। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट चल रहा है हम लोगों का, आलू की सब्जी, पूड़ी, और हमारे लाला जी लगे हुए। लाला जी कैसी है? बहुत ही बढ़िया। और सबसे बढ़िया बात जो इस ब्रेकफास्ट में है ना, वो है ये शानदार से नज़ारे, जिनके साथ बैठ के हम लोग ये नाश्ता कर रहे हैं और कालू राम सो रहे हैं। बाकी भाई क्या नीला आसमान और क्या वाइट, बिल्कुल वाइट हुआ पड़ा है सब कुछ, शानदार। दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया और ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था भाई। अब फाइनली टाइम 10:05 और अपनी गाड़ी को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। थोड़ी धूप लग गई तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया है अब, तो अब देखते हैं कैसे होती है, क्योंकि सुबह तो -8-9 डिग्री था। तो अभी एक बार कोल्ड स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो दोस्तों सुबह तो इतना ठंडा हो रखा था कि भाई ये है ना दरवाजे भी नहीं खुल रहे थे, बिल्कुल चिपक गए थे। तो फिर मैंने ना सुबह स्टार्ट करी नहीं गाड़ी, मेरे को पता था कि धूप निकलेगी तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो और इजीली हो जाएगी। तो अभी फाइनली करते हैं। भाई। स्टार्ट तो हो गई है, थोड़ी सी हल्की हल्की वाइब्रेशन है, लेकिन हाँ एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई, एक ही बार में स्टार्ट हो गई। तो इसको थोड़ी देर अभी स्टार्ट छोड़ देंगे, थोड़ा सा स्टार्ट छोड़ देंगे। थोड़ी देर स्टार्ट रहेगी तो थोड़ा स्मूथ हो जाएगी। बाकी ये देखो भाई पूरा का पूरा फ्रोजन हो रखा है बिल्कुल ही, गाड़ी के ऊपर भी देखो आप लोग। तो दोस्तों जब से मैंने ये अपनी हैरियर खरीदी है ना भाई, तो तब से हर साल का इसका है कि ये स्नोफॉल के मज़े लेती ही लेती है जब से लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ था, इस बार मैं थार लेके चला गया मनाली और स्नोफॉल मेरे को मिली नहीं। उसके बाद मैं मनाली जा नहीं पाया, तो इस बार स्नोफॉल मिली ही नहीं थी। तो विंटर स्पीति पे आते आते स्नोफॉल के मज़े ले ही लिए हमारी गाड़ी ने भी और हम लोगों ने भी। तो भाई इसका रिकॉर्ड है अपनी हैरियर का, हर साल स्नोफॉल के मज़े ये लेती ही लेती है। दोस्तों ये अपना हट्स एंड रेस्टिंग पैराडाइज अच्छा है भाई, बढ़िया स्टे था, खाना भी सबसे बढ़िया बात है, खाना अच्छा था। और यहाँ से जो व्यू है ना सामने का, ये वाला शानदार। तो आप लोग आओ तो स्टे कर सकते हो। अगर यहाँ आओ हाँ तो पूरी और आलू की सब्जी जरूर खाओ। हाँ आलू की बहुत टेस्टी थी भाई। बाकी भाई मैं कोई इसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे को अच्छा लगा तो मैं उसकी तारीफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मदद हो जाए। तो दोस्तों फाइनली भाई निकल लिए हम लोग। अभी एक बार चिटकुल होके आएंगे क्योंकि 10 किलोमीटर पे ही है, तो वहाँ पे यहाँ से भी ज़्यादा स्नो मिलेगी। चिटकुल इंडिया का लास्ट विलेज है, उसके बाद तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। तो चिटकुल तक ही जा सकते हो आप, उसके आगे अलाव करते ही नहीं है। तो ये देखो भाई क्या मस्त है। और सुबह तो है ना, अभी तो थोड़ी धूप निकली तो रोड पे है ना थोड़ा सा पानी हो गया है, अदरवाइज सुबह तो पूरा का पूरा फ्रोजन था, बिल्कुल ब्लैक आइस थी भाई। कैमरा इसमें से निकाल भाई। गाड़ी तो ये है जोटा इंडिवर, तो दोबारा फोर्ड आएगी और भाई इसको लॉन्च करेगी तो एवरेस्ट लेंगे फिर। बाकी भाई ये देखो, ऐसा लग रहा है किसी जन्नत में जा रहे हैं हम लोग। पैराडाइज वाइट वर्ल्ड क्या बोले इसके लिए, शब्द ही कम पड़ रहे हैं भाई। ड्राइविंग में ही मतलब इतना मजा आ रहा है आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना शानदार लग रहा है ना, इतना शानदार गजब यार। तो दोस्तों ऐसा कुछ रास्ता है भाई, जैसे जैसे चिटकुल की तरफ बढ़ रहे हैं ना तो बर्फ है ना और भी ज्यादा मोटी होती जा रही है, मतलब खूब सारी स्नोफॉल हुई है और रोड पे पूरी बर्फ ही बर्फ है भाई। और रास्ता है ना बिल्कुल ही बेकार, सिंगल रोड है, ऊपर से बिल्कुल ही टूटा फूटा। फर्स्ट और सेकंड गियर भी नहीं लग पा रहा है गाड़ी का, आप इमेजिन कर सकते हो, पहले गियर में ही गाड़ी चल रही है बिल्कुल आराम आराम से। और जब धूप निकली है तो ये पेड़ों पे जो बर्फ जमी हुई है ये छन छन के गाड़ी के ऊपर बड़ गिर रही है। दोस्तों स्नो में है ना ये दिक्कत होती है भाई। देखो बाइकर भाई है ना, वो स्लिप हो गई उसकी बाइक और गिर गया और उसे उठ भी नहीं रही थी। तो भाई हम लोग गए हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे है ना मैं बता रहा हूँ जैसे बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा, और बाइक है ना स्लिपरी भी हो गई है अभी, स्लिप हो गई है। हाँ तो स्लिप हो गई तो गिरा है ये, बहुत तेज़ गिरा भाई, ये बहुत तेज़। वो तो शुक्र है इस तरफ गिरा, अगर इधर गिर जाए तो भाई नीचे खाई भी है। तो बाइक पे एडवेंचर तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है नहीं, बहुत रिस्की भी है भाई। तो बाइकर है ना जो भाई, उसके पैर ही नहीं जम पा रहे हैं, मतलब इतना स्लिपरी है ना, इतना स्लिपरी हो रखा है कि दोबारा गिरेगा मेरे को लग रहा है, है ना। नहीं स्टार्ट हो गई तो वो इसका पुश करके निकाल दिया, थोड़ा आगे तक कर देगा ये, पीछे नीचे पैरों की ग्रिप नहीं बन रही। अरे वो यहाँ पे बोझा है ना, धूप नहीं लगी ना यहाँ पे, चमक ये चिपक गई बिल्कुल ब्लैक आइस है। रिस्की तो है यार बाइक पे, एक बात है यार रिस्की तो यार बाइक पे तो है ही। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं भाई, दुनिया हिंदुस्तान का लास्ट विलेज है ये हिमाचल का चिटकुल। इसके बाद फिर मतलब चिटकुल तक ही जाने देते हैं, इसके बाद फिर तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आगे फिर आर्मी आपको अलाउ नहीं करती। बाकी यहाँ से क्या नज़ारे आ रहे हैं, लेकिन आपको सच बताऊँ जिस होटल में हम लोग रुके थे ना वहाँ पर और भी शानदार थे। रक्षम में, रक्षम भी भाई रियली में बहुत सुंदर जगह है, मेरे को चिटकुल से ज़्यादा सुंदर लगी, सच बोल रहा हूँ। ये देखो पूरा वैली व्यू है चिटकुल का, वो सामने आप लोगों को दिख रहा है वो चिटकुल विलेज है। और ये देखो पूरा वाइट हुआ पड़ा है, मस्त वाला। दोस्तों ये है मेन पॉइंट चिटकुल का, एक ये है, एक आगे ये बोर्ड लगा हुआ है लास्ट इंडियन विलेज। 11,320 फीट की हाइट है और यहाँ से ये नज़ारा भाई शानदार। वेलकम टू बसवा रिवर कैंप चिटकुल लास्ट इंडियन विलेज 11,320 फीट। और ये बसवा रिवर है, शानदार जबरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों ये था भाई चिटकुल का नज़ारा। चिटकुल में आगे आप जाओगे चिटकुल विलेज से नीचे नदी के किनारे बहुत सारे कैंप वगैरह बने हुए हैं, तो जिनको स्टे करना है वो वहाँ स्टे करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। बाकी अब अपनी ट्रिप को हम यहीं पे करते हैं भाई। बहुत मज़ा ले लिया, रात को भी वो स्नोफॉल का मज़ा ले लिया और अभी भी नज़ारों का, और ये क्रेजी जो स्नो ड्राइव थी ना रक्चम से यहाँ तक, उसका मज़ा ले लिया। अब हम लोग निकल रहे हैं वापस दिल्ली के लिए भाई। दिल्ली यहाँ से 600 किलोमीटर के अराउंड है, तो जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाते चलेंगे। रास्ते में कुछ स्पेशल होगा तो बाकी रास्ता मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। तो सुबह भाई है ना इतनी स्नो थी गाड़ी के ऊपर भी, लेकिन अभी सूर्य देवता जी प्रकट हुए हैं तो सारी स्नो है ना धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। तो एक दो दिन में अगर आप आओगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे स्नो नहीं मिलेगी। लेकिन तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए मैं रक्चम, और ये देखो अभी आप लोग देखोगे ना तो पेड़ों से ना बर्फ पिघल चुकी है। तो जब सुबह स्नो थी तो क्या अलग नज़ारे थे, और भाई अब बिल्कुल अलग नज़ारे हैं। सुंदर अब भी बहुत है। मैं बता रहा था ना रक्चम चिटकुल से ज़्यादा सुंदर लगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो फॉर्मेशन है पहाड़ों का जो पेड़ से हैं, और भाई सुबह तो बहुत ही ऐसा लग रहा था, बिल्कुल ही हेवन लग रहा था, हेवनली। लेकिन भाई रोड बहुत गंदा है भाई, सच बता रहा हूँ। 10 किलोमीटर में है ना ही बैंड बज गई, और अब ये सांगला पार करने पर मतलब कि कौन सा है वो करचम डैम तक ही ऐसा रास्ता है। बाकी अभी हम लोग दिल्ली तक नहीं, उसके बाद फिर थोड़ा सा किन्नौर के जो है वो थोड़ा बेकार रास्ता है, लेकिन ज्यूरी तक। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए भाई सांगला, और अभी भी है ना देख पा रहा हूँ यहाँ पे चिटकुल और सांगला में ना इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं टेम्पो ट्रैवलर में, और भाई अपनी गाड़ियों में दुनिया भर की। और मई जून में तो यहाँ पे इतने टूरिस्ट हो जाते हैं कि होटल मिलता भी नहीं, तो भी ना रोड इतने गंदे हैं। मतलब कि सरकार को भाई इस पे काम करना चाहिए, मतलब कि इतने बेकार रोड है, इतने बेकार रोड हिमाचल में है ना, मैंने देखे नहीं। मेरे ख्याल से 2018 में मैं यहाँ पे आया था, उसके बाद है ना भाई कुछ काम हुआ ही नहीं है इन रोडों पे, वैसी की वैसी कुछ भी काम नहीं हो रखा है। तो भाई अब की बार नितिन गडकरी जी जीत के आएंगे, ये तो मेरे ख्याल से बीआरओ के अंडर में होंगे शायद, है ना? नहीं, ये बीआरओ के अंडर नहीं है, तो जिस सरकार के भी अंडर में है, जिसके भी अंडर में, भाई ध्यान दो। बहुत पर 10 किलोमीटर का 1 घंटा लग रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 10 किलोमीटर अगर 1 घंटे में गाड़ी चल रही है तो क्या ही रोड है फिर, है नहीं?